डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा यातायात माह नवंबर 2023 का किया गया शुभारंभ। डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को पुलिस लाइन जनपद बदायूं यातायात कार्यालय में यातायात माह नवंबर 2023 का शुभारंभ किया गया। यातायात जागरूकता के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्कूल व कॉलेज के उपस्थित छात्र छात्राओं, गणमान्य व्यक्तियों वे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई। इसी क्रम में रैली व ई-रिक्शा वाहन के चालकों को महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देश अनुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करते हुए सावधानी पूर्वक रोड पर चलने, यातायात नियमों का पालन करने हेतु सुझाव दिए गए। रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहकर उनका पालन करने की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित किशोर श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अजय कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर श्री आलोक मिश्र, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री कमलेश कुमार, वैन्य अधिकारी, कर्मचारीगण व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यूपी क्राइम न्यूज बदायूं, अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। बहुत ही स्वागत करता हूँ कि सर इस व्यस्त समय निकालकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आए। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक देहात और हमारे क्षेत्राधिकारी नगर, नवागत क्षेत्राधिकारी तथा एआरटीओ साहब जो यहाँ मंचासीन हैं, आप सभी लोगों ने यहाँ समय निकाला और पुलिस लाइन के प्रांगण में हमारे जो पुलिस मॉडल स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं तथा साथ ही साथ कुछ बाहर के लोग भी हैं जिनको हम आज यातायात माह के संदर्भ में कुछ अवगत कराएंगे। जैसा कि हम सभी पूर्व से ही परिचित हैं कि प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में यातायात माह मनाया जाता है। इस माह को मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि हम सभी को ट्रैफिक के बारे में अवगत कराया जाए, अवेयर कराया जाए, एक जागरूकता बनाई जाए, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि एक जो स्टडी है उस स्टडी के अनुसार सबसे अधिक डेथ जो है वो एक्सीडेंट की ही है। तमाम बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, कोविड भी आया और हर साल कुछ ना कुछ बीमारियाँ आती रहती हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन जो एक आंकड़ा है, जो एक डॉक्टरों द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है, उस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक संख्या में जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, वो हमारी सड़क दुर्घटनाओं में होती है। हमें करना क्या है, कुछ बेसिक बातें जो स्कूल कॉलेज से शुरू होती है, जो हम लोग छोटे थे तो बताया जाता था और आज भी स्कूलों में इस बात को बताना चाहिए और मैं समझता हूँ बताया भी जाता होगा, जिसपे अगर हम बचपन से ही जो हमारे पुलिस मॉडल स्कूल के बच्चे बैठे हुए इनको इस बात को समझ में आ जाए कि हमें हमेशा लेफ्ट बाएं साइड से चलना है। कभी भी सड़क क्रॉस करनी है तो दोनों साइड में आगे और पीछे दोनों तरफ देख लीजिए, देखने के बाद कोई अगर वाहन नहीं आ रहा हो तब आप सड़क को क्रॉस करिए। कभी भी आप बाइक चला रहे हो, जब आप बड़े हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए, जब आपका लाइसेंस बन गया, आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अवश्य हेलमेट का प्रयोग करिए। बिना हेलमेट के आप कहीं भी मत निकलिए। इस तरह की जो छोटी छोटी दो चार बातें हैं वो आपको अभी ही अपने मन में बैठा लेनी होगी। जो हमारा ये मोबाइल स्पीकर है उनको लेकर के और इसमें यातायात की जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक करते चले और बताते चले, ये जागरूकता का पार्ट है। और चूंकि हमारी कानून के एक्सक्यूशन की जिम्मेदारी है तो ये दिखना नहीं, दिखना भी चाहिए, ये नहीं तो कल से हमारे पत्रकार बंधु ही छापेंगे कि देखिए देखिए पुलिस वाले ही नहीं। तो मैं चाहूँगा टीआई साहब, किसी भी दशा में कोई वर्दीधारी अगर कोई बिना हेलमेट के गाड़ी मिले तो रोक करके 100% चालान कीजिए उसको, और किसी भी दशा में निकला वो होना नहीं चाहिए। और ये सीओसीटी साहब इसको सुनिश्चित कराइए, किसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। और आरआई साहब को जो मैंने बताया इसको इसका अनुपालन सुनिश्चित कीजिए। और हाईवे पे सीट बेल्ट है उसको भी हम चेक करेंगे। मोबाइल का प्रयोग कान में लगाते हुए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी गलत है, नहीं लगना चाहिए। तो हम चौराहे चौराहे स्थान पर खड़े खड़े होकर के चाहे 10 लोग 20 लोग मिले इस पूरे माह के दौरान हम जागरूकता का अभियान चलाएंगे ताकि अवेयरनेस हो सके। और ये जो हमारी इस यातायात नवंबर माह जो यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, इसका हम सार्थक परिणाम
जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके और उसका लाभ हो। बाकी डाटा पे और उसके जो हमारा ये मोबाइल स्पीकर हैं इनको लेकर के और इसमें यातायात की जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक करते चले और बताते चले, ये जागरूकता का पार्ट है। और चूँकि हमारी कानून के एक्सक्यूशन की जिम्मेदारी है तो ये दिखना नहीं, दिखना भी चाहिए, ये नहीं तो कल से हमारे पत्रकार बंधु ही छापेंगे कि देखिए ये देखिए पुलिस वाले ही नहीं। तो मैं चाहूँगा टीआई साहब, किसी भी दशा में कोई वर्दीधारी अगर कोई बिना हेलमेट के गाड़ी मिले रोक करके 100% चालान कीजिए और किसी भी दशा में निकला वो होना नहीं चाहिए। और ये सीओसीटी साहब इसको सुनिश्चित कराइए, किसी के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। और आरआई साहब को जो मैंने बताया इसको इसका अनुपालन सुनिश्चित कीजिए। और हाईवे पे सीट बेल्ट है उसको भी हम चेक करेंगे। मोबाइल का प्रयोग कान में लगाते हुए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो भी गलत है, नहीं लगना चाहिए। तो हम चौराहे चौराहे स्थान पर खड़े खड़े होकर के चाहे 10 लोग 20 लोग मिले इस पूरे माह के दौरान हम जागरूकता का अभियान चलाएंगे ताकि अवेयरनेस हो सके। और ये जो हमारी इस यातायात नवंबर माह जो यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है इसका हम सार्थक परिणाम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके और उसका लाभ हो। बाकी डाटा पे और उसके 9 लीटर। बच्चों जब दुर्घटना होती है तो बॉडी से खून निकलने लगता है, हेमरेज होता है जो बाहर भी दिखता है शरीर के अंदर भी दिखता है, इंटरनल हेमरेज और बाहर हेमरेज माने होता है खून का स्राव, खून बहना। तो अगर किसी घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता मिल जाए तो उसका खून ज़्यादा नहीं बहेगा, हॉस्पिटल में जाते ही खून चढ़ाया जा सकता है और खून जो बह रहा है उसे रोका जा सकता है। तो आप लोगों के सामने अगर कहीं दुर्घटना होती है और व्यक्ति को खून बह रहा है तो आप लोग अपने मम्मी पापा को या आपके पास मोबाइल है तो 112 नंबर को आप सूचित कर सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून बह रहा है, या अपने मम्मी पापा को या अपने भैया को बता सकते हैं कि इसको सूचित करिए वरना ज़्यादा खून बह जाएगा तो ये मर जाएगा। तो बच्चों ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जैसा SPCD साहब ने कहा कि बाएं चल सकते हैं, जो ये साइनेज लगे रहते हैं रोड पर आप लोग देखते होंगे, आप अपनी मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे रोड खराब है एक्सीडेंट प्रोन इलाका माने जहाँ ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं वो इलाका, इसी तरह की बहुत सारे कासंस या बोर्ड लगे रहते हैं। अक्सर जो गाड़ी चलाता है इन बोर्ड्स पर ध्यान नहीं देता है, तो बच्चों उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग ध्यान दे के बताइए कि पापा यहाँ बोर्ड लगा है, यहाँ थोड़ा स्लो कर लीजिए स्पीड, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, यहाँ कुछ रोड की बनावट ऐसी है, पीछे विजिबिलिटी ऐसी है या जो रोड है उसकी घुमावट है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, तो गाड़ी की स्पीड स्लो कर लीजिए। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे टिप हैं जो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इस समय आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि और क्या क्या हम कर सकते हैं और समय कम है इसलिए और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, बोलूंगा नहीं। मैं अब सर से अनुरोध करूँ, परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, SPCD साहब, CO City साहब, नवागंतुक CO साहब तिवारी जी, AIRTO साहब और यहाँ प्रिंसिपल साहब पुलिस मॉडर्न स्कूल के टीचरगण, हमारे सहयोगी पुलिसकर्मियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार बंधुओं, हर वर्ष यातायात माह मनाया जाता है और सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है कि यातायात के प्रति जागरूक किया जाए। रीज़न ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो यहाँ पे सड़क सुरक्षा के लिए नेशनल जो एजेंसियाँ हैं या पुलिस है, इन सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु जो कैजुअल्टी होती है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है, अपराध की वजह से नहीं होती। बीमारी से भी लोग कम मरते हैं, दुर्घटनाओं से ज़्यादा मरते हैं। तो ये नेशनल लॉस है और जिस व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसके
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो RTO साहब ने बताई, हमारे SPCT साहब ने बताई, जिनका कि हम अनुपालन करके काफ़ी सुरक्षित रह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब चूँकि यहाँ हमारे सामने ज़्यादातर हमारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, तो मैं इनके करने लायक 3-4 बातें बता रहा हूँ संक्षेप में। कि बच्चों, जैसे पापा कहें कि चलो चलते हैं तुमको स्कूल छोड़ने या बाज़ार घुमाने, आपको, आपकी मम्मी को और आप दोनों तीनों लोगों को गाड़ी पे बैठा लेते हैं, स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे, तो आप मना करोगे, करोगे ना? हाथ उठाओ कि नहीं पापा, 5 लोग, हम लोग 4 लोग बैठ के एक मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे, पापा हम रिक्शे से चलते हैं, दूसरे साधन से चलते हैं। पापा जब घर से बाहर जा रहे हों, दीदी जा रही हों, भैया जा रहे हों बिना हेलमेट पहने, तो आप बोलोगे ये हेलमेट पहन लो, सर सुरक्षित तो तुम सुरक्षित, क्योंकि RTO साहब ने बताया कि सर पे हल्की भी चोट जानलेवा हो सकती है, बाकी शरीर पे अगर ज़्यादा भी चोट लगी है तो उसे बचाया जा सकता है। यहाँ पे आज जो सड़क सुरक्षा जागरूकता का यातायात माह शुरू हो रहा है, उसके शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच SPRA साहब, SPCT साहब, COCT साहब, हमारे नवागंतुक CO साहब, ARTO साहब, प्यारे बच्चों, सभी साथी अधिकारी और मीडिया के लोग, आज अभी इससे पहले सभी लोगों ने यातायात के माह का जो शुभारंभ आज हो रहा है, इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से आप लोगों को बताया है। यहाँ पे ARTO साहब, SPCT साहब और COCT साहब उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आगे जो आने वाले सप्ताह हैं उसमें व्यापारी वर्ग, पेट्रोल पंप वाले, जो ट्रक के यूनियन के लोग हैं, ट्रक और ये ऑटो के, इनको इकट्ठा करके एक सामूहिक जागरूकता का कार्यक्रम में एक हम लोग मीटिंग करेंगे, जिसमें बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इनके प्रशिक्षण का काम भी इस दौरान होना चाहिए कि इनको प्रशिक्षित किया जाए। यद्यपि सभी लोग प्रशिक्षित रहते हैं, लेकिन यातायात जागरूकता का, चूँकि ये माह हम लोग चला रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता तभी है जब हम इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्यारे बच्चे तो यहाँ आज हैं जो अभी SPRA साहब ने बहुत इनके लिए क्या करना है, इन्होंने उस पर प्रकाश डाला, बताया कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन सड़क पर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ट्रैफिक में, चाहे वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए हो, चाहे प्राइवेट यूज़ के लिए हो, सभी को इस दौरान हम लोग इस प्रकार का अभियान चलाएं कि सभी के मन में एक अवेयरनेस और एक जागरूकता का भाव पैदा करने में हम सफल हों, तभी इस यातायात माह का की सफलता मानी जाएगी। और इस दौरान जो चालान होते हैं या जो अभियान चलता है, वो तो हमारे रूटीन का विषय है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें कार्यक्रम करना है, इसी जागरूकता का कार्यक्रम करना है, और जागरूकता के लिए जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा जनसंपर्क होना चाहिए। आज ये रैली है जो सिर्फ इस बात का इंडिकेशन करेगी कि हम अब पूरे यातायात माह में हम आप लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। सभी हमारे अपने पुलिस के लोगों से अनुरोध है, हमारे अधिकारी हैं यहाँ, कि कम से कम आप दूसरे को टीच तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। मैं देखता हूँ कि हमारे पुलिस के लोग विदाउट हेलमेट वर्दी पहन करके और गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं। मैं RI साहब से चाहूँगा कि RI साहब यहाँ पे गेट पे ये व्यवस्था कर दीजिए कि किसी भी दशा में कोई ना तो बिना हेलमेट के घुसने पाए और ना निकलने पाए। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ हमारे पुलिस लाइन्स में जो लोग रहते हैं, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे उनके गार्जियंस हो, वो हेलमेट को लेकर के ही निकलें, हेलमेट को लेकर के ही उसका संचालन करें। इस दौरान ब्रीद एनालाइजर का भी हम लोग प्रयोग करेंगे और सभी चौराहों पर, मैं चाहूँगा सभी थानों के पास, हमारे पास लगभग 11 ब्रीद एनालाइजर थानों में डिस्ट्रीब्यूटेड है और
टीआई साहब के पास होंगे, तो शाम के समय ब्रेथ एनालाइजर का यूज किया जाए। और इस दौरान टीआई साहब, आप जो हमारा हाईवे है और जो कमर्शियल यूज के स्थान हैं, उनके रात्रि के समय, शाम के समय विशेष रूप से 6 से 9 के बीच में ये अभियान चला करके देख लें, ताकि ड्रंकन ड्राइविंग जो है, शराब पीकर के, शराब पीकर के जो ड्राइविंग होती है, उस पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकें। ये हमारा ब्रीद एनालाइजर मतलब एक माहौल बनना चाहिए। अभी त्योहारों का भी मौसम है, धनतेरस है, लोग जैसा कि अभी आरटीओ साहब ने बताया कि ये लोग उसके पार्ट हैं, उससे पीड़ित भी होते हैं, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। चूँकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि हम जब गाड़ी चलाएं, कार ड्राइव करें, सड़कों पर आएं, आप स्कूल आते जाते गाड़ियों को यूज करते हैं, गलियों में आप साइकिल को चलाते हैं, कुछ बच्चे जो भी एलिजिबल नहीं हैं वो बाइक भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और शरीर पहले तैयार हो जाता है, लेकिन मन और आपकी जो आयु है उस तरीके से नहीं है कि आप किसी वाहन को मॉनिटर कर सकें, चला सकें सही तरीके से। मन से मेरा अनुरोध ये है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, कभी भी अपने पेरेंट्स की गाड़ी को लेकर ना जाएं, यदि उनकी एज 18 प्लस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप स्कूल से आते जाते समय यदि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते हैं तो इस चीज़ का फोकस ध्यान रखें, यदि वो हेलमेट पहन के नहीं आ रहा, ये तर्क कि हम बहुत 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जा रहे हैं, सड़क गलियों की भी जितना खतरनाक इस समय हमारा हाईवे है, उससे कम खतरनाक हमारी गलियाँ नहीं हैं, क्योंकि गलियों में ऐसी सकरी गलियां हैं, वहाँ पे कट्स हैं, किनारों पर लोगों ने ईंटें रख रखे हैं, कहीं ना पुलिया में डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ये होता है कि आप धीमी गति से भी चल रहे हैं, अगर यदि आप हेलमेट नहीं पहने हैं, आप डिवाइडर पे गिर गए तो तुरंत हेड इंजरी हो जाएगी और आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, डेथ हो जाती है। तो हेलमेट को आप ये समझिए जैसे घर से, आज हमारे जीवन का पार्ट मोबाइल हो गया, बिना मोबाइल लिए हम ना कहीं नहीं जाते, कहाँ कहाँ हम जाते हैं इस मन से कहने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल जैसे हमारा एक पार्ट हो गया है। तो यदि हम गाड़ी पर हम टू व्हीलर चल रहे हैं तो हेलमेट का जरूर यूज करें, इसी तरीके से जो हम फोर व्हीलर पर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट जो पहने, उसका कारण ये है कि जो हमारी नई व्हीकल्स आ रही हैं उनका जो पूरा सेफ्टी फीचर है वो सीट बेल्ट से इंटैक्ट होता है। यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, यदि वो गाड़ी कहीं किसी वजह से क्रैश होती है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो जो उसके अंदर एयर बैग होता है, उसका ABS सिस्टम होता है जो उस गाड़ी को सुरक्षित करता है, वो फंक्शनल ही नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप सीट बेल्ट को पहनते हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें भी यही तर्क होता है कि हम तो शहर में ही चल रहे हैं, हम हाईवे पे नहीं चल रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं भी क्रैश हो सकती है, तो उसके लिए जो गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स हैं, आप लोग जितने भी बच्चे हैं नेट यूजर्स, सभी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, बहुत तरह के उसमें गेम्स खेलते हैं,